हाय, मैं हूँ तुषाबा और आप देख रहे फंडू कंटेंट। दिवाली के शुभ अवसर पर बॉलीवुड की एक बिग बजट फिल्म यानी के थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी रिलीज हुई है, जिसमें है अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फातिमा सना शेख और कटरीना कैफ। और इसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्ण आचार्य ने, जिन्होंने धूम 3 भी डायरेक्ट की थी। साथ ही साथ एक एक्टर जिनका नाम है लॉयड ओवेन, उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है इस पिक्चर में। और थग्स ऑफ हिंदुस्तान को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और इसे म्यूजिक दिया है अजय अतुल ने, जो साथ ही में जाने जाते हैं धड़क पिक्चर के गानों से। हम आपको बता दें, ये पिक्चर का हाइप बहुत ही ज्यादा टाइम से था और साथ ही साथ इसके प्रोड्यूसर्स ने इसके प्रमोशंस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो चलिए आप लोगों को देते हैं थग्स ऑफ हिंदुस्तान का रिव्यू। एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी के जॉनर पे बनी हुई पिक्चर हॉलीवुड के बिग टिकट फिल्म्स के मुकाबले में है। चाहे कोई माने या ना माने कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की कॉपी है या हम कहे इंस्पायर है, अंत में थग्स ऑफ हिंदुस्तान को पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से कंपेयर किया ही जा रहा है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान जरूर दिखाई दे रही है एक बिग बजट फिल्म, पर ऐसा किसी को महसूस नहीं हो रहा है। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं इस पिक्चर में होता क्या है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान की कहानी की शुरुआत होती है 1700 सदी में, जहां पर एक बुरे ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम होता है क्लाइव, वो एक ईमानदार राजा मिर्जा को उनके परिवार, उनकी जिंदगी और उनके राज्य से धोखे से अलग कर देता है। ऐसे में उस राजा की बेटी यानी कि राजकुमारी जफीरा, जो वहाँ से भाग निकलती है राजा मिर्जा के एक भरोसेमंद सिपाही खुदा बख्श के साथ, और फिर कई सालों बाद राजकुमारी जफीरा और खुदा बख्श कुछ समुद्री लुटेरे यानी कि पायरेट्स के साथ वापस आते हैं अपने राज्य को क्लाइव की हुकूमत से बचाने के लिए। थग्स ऑफ हिंदुस्तान कहानी बसी है उस वक्त के दौरान जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था और किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया का फायदा उठा के इंडिया को ही एक्सप्लॉइट करते थे। पर पिक्चर में भारत ये वक्त का भाग ठीक तरह से दर्शाया नहीं गया। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिजाइन की, जिसे सुमित बासु ने किया, और साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी की, जिसे मनोज नंदन ने किया, बात किया जाए राइटिंग की और डायरेक्शन की, जिसे किया गया था विजय कृष्ण आचार्य ने, ये दोनों ही भाग पिक्चर के काफी प्रेडिक्टेबल है। यानी कि पिक्चर में कुछ सीन्स होने से पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और अगर बात करें हम थग्स ऑफ हिंदुस्तान के स्क्रीन प्ले की, तो वो काफी लंबे, खिंचाव और ओवर ड्रामेटिक है, जिस वजह से पिक्चर देखते हुए ऐसा लग रहा था कि पूरी पिक्चर अस्थिर पानी पे है। एक और चीज निराश करने वाली पिक्चर की ये है कि म्यूजिक दिया गया था अजय अतुल से, जिसका कहानी में कोई भी मेल नहीं है। और अगर बात करें आमिर खान और अमिताभ बच्चन की स्क्रीन स्पेस शेयर करने के बारे में, तो दोनों ही एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। पर इसके अलावा पूरी पिक्चर की कास्ट एक बार भी साथ में नहीं दिखाई दी। आमिर खान ने अपनी कॉमेडी और अपनी चटर से लोगों का दिल जीत लिया इस पिक्चर में, और साथ ही साथ मिस्टर अमिताभ बच्चन ने अपने हीरोइक सीन्स और इंटेंस डायलॉग से लोगों का दिल जीत लिया। पर इसके अलावा थग्स ऑफ हिंदुस्तान पिक्चर की बाकी के कास्ट बखूबी निखर के नहीं दिख पाई। और अगर बात करें कटरीना कैफ के रोल के इस पिक्चर में, तो कटरीना कैफ के सिर्फ 2 गाने हैं इस पिक्चर में, और अंत में थोड़ा बहुत वो दिख जाती है आमिर खान के साथ। कटरीना कैफ ने थग्स ऑफ हिंदुस्तान पिक्चर में एक डांसर का रोल निभाया है। हालांकि कटरीना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है थग्स ऑफ हिंदुस्तान में, पर उनका कोई ऐसा कुछ खास रोल नहीं है पिक्चर में, और लोग तो ये तक कह रहे हैं उन्हें जबरदस्ती पिक्चर में डाला गया है सिर्फ पिक्चर का एक ग्लैमरस पोर्शन दिखाने के लिए। वहीं पर फातिमा सना शेख का रोल कटरीना कैफ से कहीं ज्यादा है, पर उन्हें इस पिक्चर में बहुत ही बुरे कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीन्स के भरोसे पे छोड़ दिया गया है। फातिमा सना शेख की दंगल के बाद ये पहली पिक्चर होगी, और दंगल पिक्चर में फातिमा सना शेख को खूब सराहा गया था, जिस वजह से थग्स ऑफ हिंदुस्तान में लोग उन्हें देखने के लिए काफी उत्साहित थे। पर पिक्चर देखने के बाद लोगों का उत्साह उनके काम से मेल नहीं खा पाया। और अगर हम अब बात करें थग्स ऑफ हिंदुस्तान के CGI एफएक्स की, जिसके बारे में लोग पिक्चर का ट्रेलर देख के काफी बुराई कर रहे थे, पर अब पिक्चर देखने के बाद थग्स ऑफ हिंदुस्तान के पिक्चर के CGI एफएक्स की हम काबिले तारीफ तो नहीं, पर प्रशंसा जरूर करेंगे। और अब अगर हम बात करें ओवरऑल पिक्चर की, तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान में वो पंच और थ्रिल नहीं है जो एक 300 करोड़ के फिल्म के अंदर होना चाहिए। जी हाँ, थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ओवरऑल बजट है 300 करोड़, और साथ ही में इसे मिले हैं सिनेमा घरों में 7000 स्क्रीन्स। थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक 2 hours and 45 minutes लंबी पिक्चर है, तो इस वजह से हम कहेंगे थोड़ा और इस फिल्म को काटा जा सकता था, पर इस पिक्चर का विजुअल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा है। पर आखिर में फिर बात तो वही हो गई ना कि ऑल शो एंड नो सब्सटेंस, यानी के सब दिखावा
और अंदर कुछ नहीं। तो आखिर में हम इस मूवी रिव्यू को अंत करेंगे ये कहते हुए कि इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस जो आप लोगों की इस मूवी को लेके थी, पर आखिर में आप लोगों को इस मूवी का अनुभव बीच समुद्र में छोड़ देगा। अब आप लोग हमें बताइए कि आप ये मूवी देखना पसंद करेंगे, और अगर हाँ तो आप बताइए आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।